ये तो जंगल राज है, सुना था कि जंगल राज होता है, आज हमने देख भी लिया जंगल राज और यूनियन टेरिटरी के अंदर देखा। आदरणीय गवर्नर साहब रोज चिट्ठी लिख देते हैं, रोज पत्र लिख देते हैं, इसके ऊपर उनका क्या कहना है? यूनियन टेरिटरी के कस्टोडियन हैं और यहाँ पर पंजाब का राज लागू नहीं होता है। जो सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, सरकार जिस प्रकार से हरकतें कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन यूनियन टेरिटरी इसका मतलब सब लोग इकट्ठे हैं। मैं इसकी निंदा करता हूँ, ये जंगल राज है। और मैं समझ नहीं आता पुलिस का। आदरणीय, मैं तो बहुत समझदार व्यक्ति समझता था गौरव यादव जी को, पर क्या हो गया गौरव जी? बिल्कुल ही आपने तो पुलिस का रुझाना क्या हो रहा है? इनका खुद का आम आदमी पार्टी के एमएलए पुलिस की निंदा कर रहा है एसएसपी की। कांग्रेस हाईकमांड हर चीज पे नजर रखती है और हाईकमांड नु हर चीज का पता हुंदा है, पर इस तरह सुबह स्वत्ते बिना गल दसे बिना कोई गल कीत्या इस तरह किसी भी व्यक्ति नु ओरे घरों आके ले जाना, ये बहुत बेहद माड़ी गल है। ये जंगल राज है। पंजाब पुलिस बिल्कुल मर्यादा तो गिर चुकी है। ता मुक्सर दा केस, अगर एक वकील दे नाल जो हरकत हुई है वो वकील नाल उरे मगर ता वकील खड़ गए, मैं पंजाब दे लोगों नु दसना चाहना है, उरे मगर ता काले कोट वाले सारे भरा खड़ गए ते सारा मामला फिट हो गया। सुखपाल खैरा को क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं समझता हूँ जिस प्रकार से गिरफ्तार किया है, ये तो जंगल राज है। सुना था कि जंगल राज होता है, आज हमने देख भी लिया जंगल राज और यूनियन टेरिटरी के अंदर देखा। आदरणीय गवर्नर साहब रोज चिट्ठी लिख देते हैं, रोज पत्र लिख देते हैं, इसके ऊपर उनका क्या कहना है? यूनियन टेरिटरी के कस्टोडियन हैं और यहाँ पर पंजाब का राज लागू नहीं होता है। जो सरकार कर रही है वो तो कर ही रही है, सरकार जिस प्रकार से हरकतें कर रही है वो तो कर ही रही है, लेकिन यूनियन टेरिटरी इसका मतलब सब लोग इकट्ठे हैं। तो मैं इस बात की निंदा करता हूँ। गलत केस में, जो केस अकाली दल के समय ये केस हुआ था 2015 की, मेरे को लगता की बात है, उसके बाद ये केस टू कोर्ट हो गया है, इसमें कोई कुछ रहा ही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट का भी मेरे को लगता है, मेरे को फैक्ट्स नहीं पता है केस के, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ कॉग्निजेंस लिया था। आई डोंट नो, ऑल ऑफ सडन 15-23 अब क्या हो गया? तो मैं इसकी पूर्ण निंदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि पंजाब पुलिस के साथ साथ चंडीगढ़ पुलिस भी मिली हुई है। और क्यों मिली हुई है चंडीगढ़ पुलिस, ये समझ सकते हैं? जिस तरीके से कांग्रेस के लीडर्स पर मामले लगातार दर्ज हो रहे हैं, मनप्रीत बादल के ऊपर, हालांकि वो भाजपा में चले गए, मनप्रीत की बात, लेकिन तीन मंत्री आपने, हमने कभी कोई केस हुआ हमने डटकर मुकाबला किया। पिछले बहुत दिन पहले जिनको पकड़ा कभी पकड़ा, हमने जमानत कराई, हम लड़ रहे हैं। मैंने पहले भी कई बार कहा है कि हम मर नहीं जाएंगे, जो होना है वो होके रहना है, लेकिन जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है ये मैं इसकी निंदा करता हूँ। ये जंगल राज है। और मैं समझ नहीं आता पुलिस का। आदरणीय, मैं तो बहुत समझदार व्यक्ति समझता था गौरव यादव जी को, पर क्या हो गया गौरव जी? बिल्कुल ही आपने तो पुलिस का रुझाना क्या हो रहा है? इनका खुद का आम आदमी पार्टी के एमएलए पुलिस की निंदा कर रहा है एसएसपी की। 25 लाख का आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि पीटा जा रहा है मेरे ऊपर। उसको खुद एमएलए कह रहा है कि उसको पीट कर ये कहा जा रहा है कि भैया तुम बताओ, इसका नाम लो एमएलए का, कौन सुरक्षित है? वकील को पकड़ लिया है, वकील के साथ क्या हुआ है? जो आज फ्रंट पेज की न्यूज है पूरे पंजाब में, देश में, उस वकील के साथ हुआ क्या है ये आप सब जानते हैं। और जिस प्रकार से घेरे में पंजाब पुलिस आई है, उसने तो गिराव ही गिरा दिया, पंजाब पुलिस का नाम मिट्टी में मिला दिया। आदरणीय डीजीपी साहब, जागो, ऐसे मत करो, खाली खाली कुर्सी, खाली पद, ये सब कुछ नहीं होता। कांग्रेस हाईकमांड कौन है? कांग्रेस हाईकमांड हर चीज पे नजर रखती है और हाईकमांड नू हर चीज का पता हुंदा है, पर इस तरह सुबह स्वत्ते बिना गल दसे बिना कोई गल कीत्या इस तरह किसी भी व्यक्ति नू ओरे घरों आके ले जाना, ये बहुत बेहद माड़ी गल है। ये जंगल राज है। पंजाब पुलिस बिल्कुल मर्यादा तो गिर चुकी है। मेरे कोले कोई शब्द नहीं है उन्होंने वास्ते
मैं कहा कि ऐसे कोई शब्द ही नहीं है कि जेडे मैं इस्तेमाल करा पर बिल्कुल 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 वर्दी दी गरिमा जेडी है वो उरियां तज्जियां उड़ा दित्तियां गईयां ने। और मैं कहना चाहना कि दो केस इरी जिंदा जागदा उदाहरण ने, एक तो मुक्सर का केस, अगर एक वकील दे नाल जो हरकत हुई है वो वकील नाल उरे मगर तो वकील खड़ गए, मैं पंजाब के लोगों को दसना चाहना है, उरे मगर तो काले कोट वाले सारे भरा खड़ गए तो सारा मामला फिट हो गया, उन्होंने मुकदमा दर्ज हो गया, वो फड़ ले गए। और एक MLA जिहड़ा सत्ताधारी सरकार का चीका मार के रो रहा है कि मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करन दी साजिश पंजाब पुलिस उन्हों कुट के मना रही है भी तू मेरा नाल है, तो मैनू दस दौ फिर कोई गरीमा तो कितने रही नहीं, गम खब खत्म हो गया, तो आम बंदा किवें सुरक्षित होएगा इस पंजाब दे। आम व्यक्ति नू तो जदों मर्जी फड़ के टैरोरिस्ट बना दो। और तुसी देखिया होना NIA CBI ED तमाम होर एजेंसी इन्होंने तो पंजाब दे विच एक टैरर फैलाता। अच्छा गड़ी से यही हर घर एक टैरर है कि मेरे सुबह उठद NIA ना आ जाए। अच्छा, मेरे सुबह उठद CBI ना आ जाए। खालसा एड वाले बेचारे सेवा करते सी उन्होंने घरे भी बढ़ गई। सो हर बंदे हर पंजाबी दे मन दे विच एक टैरर पैदा करता पुलिस राज का। दूसरी गल चंडीगढ़ पुलिस जी है गवर्नर साहब के अंडर, मैं थोनू दसना चाहना पंजाब मीडिया ने इतने रोज़ गवर्नर साहब चिट्ठी लिखते रोज़ चिट्ठी लिखते। अज की हो गया गवर्नर साहब नू, गवर्नर साहब नू माड़ी माड़ी गल का तो पता लग जाता है, फिर चंडीगढ़ पुलिस को कॉल इन कौन करन कि बिना थोड़े पता होने पर सब रले मिले है जान बुझ के लोगों की अखा च कट्टा पाएगा। बड़ी साहब एक चीज बताइए, जिस तरीके से BJP लगातार BJP के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि वो एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है सेंटर में, क्या आपको लग रहा है कि स्टेट में आम आदमी पार्टी इसी नक्शे कदम पर चल रही है? हर जगह ये हो गया भाई, ऊपर भी यार नीचे भी बिल्कुल 100% एजेंसी का इस्तेमाल होता है कि दबा दो गला गोड़। लेकिन मैं आपको बताऊं, जहां को राखे साइया मार सके ना कोई, जो लिखा है अभी मैं चला जाऊं अभी एक्सीडेंट हो जाएगा मेरा सारा परिवार निकल जाएगा मर जाएगा, मैं अगर मेरा एक्सीडेंट हो जाए पता थोड़ी है कि होना है कि नहीं होना, कोई किसी को मार नहीं सकता, ये अपनी गलत फहमी दूर कर लें, कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी का गला नहीं दबा सकता जब तक भगवान की कृपा है। तो मैं समझता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए, पुलिस को शर्म आनी चाहिए, सरकार को शर्म आनी चाहिए। विरोध करेंगे मैं तो क्या है यार, 2015 तो लेके हम कितने साल हो गए, अज 8-9 साल बाद ऑल ऑफ सडन, पहला भी उस वेले भी जो ये मामला पाया गया सी उदो अकाली दल की सरकार सी, ये उदो सुखबीर सिंह बादल इन्हां ने काम किया सी, पर बिल्कुल 8 साल बाद जेड़े मामले का कोई लैन नहीं देन नहीं लल्ला नहीं खखा नहीं पब्बा नहीं असी तो सुने नहीं कोई। ਮੁਨੀਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਜੇ ਸਮੇਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ 2024 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨ ਫਿਊਚਰ। ਦੇਖੋ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਸੀ ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ, ਅੱਜ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਸ਼ੂ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਮੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕੈਸੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪ, ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਨ ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਕੋ ਲੱਗਦਾ? ਸਭ ਲੋਗ ਮਿਲ ਕੇ ਅਭੀ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਲੋਗਾਂ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਆਪਦਾ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਅਗਲਾ ਬਿਲਕੁਲ।